और सब वैसे मानव आज मैं लेके आया एक और बहुत ही काम की थी जो कि है हमारा, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, एक बच्चों की चीज़ है। और इसमें खास बात यह है कि ये आपका बच्चों को नहलाने के लिए है। इसमें आप अपने जो बेबी है उसको आप नहला सकते हैं बाथरूम में और सिंक के अंदर, या जहाँ भी आपका इजी आपको पानी मिलता हो वहाँ पे आप नहा सकते हैं। और इसमें खास बात यह है कि इसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे तीन इसके लेवल्स हैं। और आइए इसको खोल के देखते हैं। और मैंने मंगाया है अमेजोन से और ये मुझे पड़ा है 1120 रुपये का। और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी थी, 4 स्टार इसकी रेटिंग थी और आज ऑलमोस्ट 250-300 लोगों ने इसको खरीदा है, तो आई थिंक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आइए इसको खोल के देखते हैं। दोस्तों ये अमेजोन से ऐसे का ऐसे ही पाया गया, बस इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ था, इसके ऊपर ऐसे कोई अमेजोन का जो बॉक्स होता है वो उसके अंदर नहीं था। और अगर हम देखें तो इसकी एमआरपी है 1400 रुपये की। और ये हमारे है 0M+, मतलब कि आपके कुछ महीने के बच्चों के लिए ही, ऐसा कुछ नहीं है 1-2 साल का बच्चा इसमें नहीं आ सकता। आई थिंक 1 साल से भी कम का अगर कोई बच्चा होगा तो वो इसके अंदर, आप इसके अंदर उसको नहला सकते हैं। तो सर इसको खोल के देखते हैं और इसको असेंबल करके देखते हैं कैसा ही है। तो दोस्तों ये इसका बॉक्स है, और अगर आपको डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी इसको पढ़ सकते हैं। और ये मैंने किसी के लिए गिफ्ट मंगाया है, और जैसे ही अगर ये खोल के एक बार मैं देखूंगा कैसा है, आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है मैंने, उसके बाद इसको दोबारा से पैक कर दूंगा। और मैं देख रहा हूँ खुलेगा काम से ही है, आई थिंक ये सील्ड है। मुझे इसका बॉक्स को फाड़ना ही पड़ेगा। दोस्तों को खोलते अगर हम देखें तो हमें बहुत ही अच्छा कलर का और बहुत ही बच्चों जैसा इसका कलर है, और के साथ हमें मिलती है इसकी ये किट की कैसे इसको आपको बनाना है। और आइए मैं ऐसी ट्राई करके देखता हूँ कि ये कैसे होगी। तब मेरा ख्याल है कि ये इसको एडजस्ट करने के लिए होगा। ये देखिए ऐसे लग गया, और इसके अंदर 3 इंचेस के लिए हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो अलग अलग सेटअप लग सकता है, पर ये जो है काफ़ी सॉफ्ट है, और देखिए अब लग गया इजीली। तो अगर आपको खोलना हो तो आप इसको ऐसे खोल लीजिए, और अलग अलग लेवल पे जिस लेवल पे आपको डालना है आप उसको डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो है हमारा नहाने के लिए तैयार हो गया है। अगर आपको जैसा सेट करना हो, कुछ ज़्यादा इसके अंदर है नहीं, और ये वॉशेबल मटेरियल होता है कि जैसे कि आप इसको धो धो के थोड़ा सा इसको धूप में रखेंगे तो आसानी से सूख जाएगा। और ये देखिए इसके अंदर जाली लगी है, बहुत ही सॉफ्ट जाली है। और इसके साथ ही मिलता है, ये देखिए आपके बेबी को सर रखने के लिए आप इसमें हेड रखेंगे तो ताकि उसका सर इधर उधर नहीं जाएगा। और अगर हम देखें तो इसके अंदर भी थर्माकोल की जो है बॉल्स लगी हुई हैं, जिससे जो इजीली आप पानी लगने पे सूख भी जाएंगी, और ये जो है हमारा ज़्यादा हार्ड नहीं होगा ताकि जो है हमारे बेबी को ज़्यादा दिक्कत ना हो। बाकी देखिए तो यहाँ देखिए, यहाँ आप उसका पैर लगाए ताकि वो आगे स्लिप भी नहीं होगा इसके चक्कर में, देखिए। वरना यूजुअली कुछ होते हैं जो आगे से खुले हुए होते हैं ताकि उसमें अगर आप अपना बेबी रखेंगे तो वो नीचे स्लिप होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि गीला होता है तो गीले के अंदर आपको नहलाने में दिक्कत हो सकती है, पर इसमें शायद ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे ही अगर आप करें तो आप कुछ नहीं करना, ऐसे करना है और नीचे से खोलना है इसका लॉक। तो देखिए ये हमारा हो गया है पैक, और
और अब हम इसको वापस अपने बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा बेबी बाथर, और अगर मैं क्वालिटी देखूं तो हज़ार 1100 के हिसाब से इसकी क्वालिटी ठीक ही है। इससे बढ़िया क्वालिटी के भी आते हैं अगर आप लेना चाहें तो, पर वो आपको महंगे पड़ेंगे। एक पूरा आता है जो पूरा प्लास्टिक का होता है, उसको आप उठा भी सकते हैं, वो थोड़ा सा महंगा आता है। अगर मैं वो खरीदूंगा जरूर उसकी वीडियो बनाऊंगा। बाकी अगर मैं कहूँ तो देखिए इसकी चारों तरफ जो है मोस्टली सारे कॉर्नर पे स्पंज लगा हुआ है, ताकि जो है आपका बेबी जो है सेफ रहे, उसको कहीं से भी कुछ ज़्यादा चुभे ना। और ये जो नीचे का मटेरियल है सारा का सारा प्लास्टिक का है, तो कि अगर किसी और मेटल का होता है तो वो रिस्की भी होता है, ऊपर से वो जंग भी खा जाता है तो आपका ख़राब भी हो सकता है। अगर आप जब आपको यूज़ नहीं करना तो आप इसको ईजिली ऐसे फोल्ड फोल्ड कर सकते हैं, और अगर आपको ले जाना हो तो कहीं भी ऐसा छोटा सा आप इसको डब्बे में डाल सकते हैं, छोटे से बैग में डाल सकते हैं आप इजीली कहीं भी जाके। तो आपके लिए बहुत सबसे खास बात ये कि काफ़ी हल्का है और काफ़ी पोर्टेबल है, उसके लिए मैं इसको अच्छे पॉइंट दे सकता हूँ। बाकी अगर मैं कहूँ तो मुझे इसको 4 तो नहीं 3 सा ज़रूर दे सकता हूँ। अगर आप चाहें तो ज़रूर खरीद सकते हैं, इस बजट में आई थिंक ऐसे ही आपको मिलेंगे और अच्छे, इतना बुरा नहीं है मैं कहूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।